हेलो फ्रेंड्स, एवरी लिटिल कस्टम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है कि नया वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये है आरन भाई भाषण थी, आप सभी का जाने पहचाने की बाइक। तो इसका हैंडलिंग थोड़ा सा सामने के हिलने से राइडिंग कंफर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा प्रॉब्लम दोबारा नहीं आने के लिए हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो दोस्तों, दरअसल ये क्या है, इसका छोटा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इसे हैंडलिंग को स्ट्रेट कर देंगे ताकि राइडिंग पर थोड़ा सा आसान हो। तो दोस्तों, इसका जो टॉप प्लेट है, इसका मेन मॉडिफिकेशन, इसे टॉप प्लेट हमने चेंज कर दी। तो दोस्तों, ये R15 MT15 का टॉप प्लेट इधर सेटिंग कर दी। और इसका खासियत ये है, टॉप प्लेट चेंज करने से आपका पूरा पूरी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसके हैंडल लॉक भी आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यूनिक चीज ये है, ये वाला वीडियो शायद आप यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन आज का ये वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज का खास चीज ये है, दोस्तों ये है MT15 का टॉप प्लेट। दोस्तों, ये तो हमने लॉक के साथ सेटिंग भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका हैंडल लॉक आप कैसे कर पाओगे। तो आज का स्पेशल थिंग्स ये है, इसका ये वाला चीज। तो दोस्तों, ये वाला अपने हाथों से बनाया गया, और खास करके ये वाला कौन वाला बनाया है आपको दिखाता हूं। आ जाओ मेरा दोस्त मानिक, इसके वर्कशॉप में ये वाला वीडियो हो रहा है। तो दोस्तों, ये वाला चीज अपने हाथों से बनाया गया है। इसके खासियत ये है दोस्तों, अगर ये वाला चीज आप नहीं बनाओगे तो आप हैंडल लॉक कभी नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है। ये वाला चीज ये इसका मेन खासियत है। तो दोस्तों, इसके सेटिंग के बारे में देखो, ये वाला टॉप प्लेट का ऊपर साइड है, इसके साथ इसको लगा दो, फिर ये वाला हैंडल होल्डर बॉटम इसको कहते हैं, ये वाला इसको सेटिंग करो। तो दोस्तों, ये हैंडल होल्डर बॉटम इधर सेट हो गया। अब देखो, ये सेट होने से ये भी फिक्स्ड हो गया। दोस्तों, इस साइड पर हम बोल्ट लगा देंगे, टाइट कर देंगे, ये और भी फिक्स्ड हो जाएगा इस पीछे की साइड पर, ये दोनों साइड पर। तो दोस्तों, ये तो हो गया। अब फिर ये वाला लॉक सेट को, इग्निशन लॉक, इग्निशन की कहते हैं इसको, अब पीछे से इसको लगाओ, और ये वाला दोनों छेद किया हुआ है दोनों तरफ पर, और इसको फिर इसी बोल्ट के द्वारा सेटिंग करो। ये कंपनी का एलन की, इसको आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। ये नंबर वन और ये है नंबर टू। तो दोस्तों, इसको भी सेटिंग करो कोई भी बोल्ट के साथ। तो दोस्तों, चलो ये लॉक हो गया, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी में टाइट नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये लॉक भी सेटिंग हो गया, हैंडल होल्डर बॉटम इसका टाइट देने से ये और भी फिक्स्ड हो जाएगा, और ये वाला है हैंडल होल्डर टॉप। और दोस्तों, इसका हैंडल आपको परचेस करना है तो FZ का परचेस करो, SZR का परचेस करो, FZ उसका भी 300 में आ जाएगा, डोमिनर पर भी आ जाएगा। और दोस्तों, इसका खासियत ये है, अगर आप चाहो KTM का भी हैंडल परचेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हैंडल होल्डर बॉटम और टॉप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और ये भी सही है, KTM का हर वक्त इसका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होने के वजह से आप ये नहीं कर सकते, लेकिन कस्टमर ने बोला था हायर बजट, उसका बजट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, KTM का ही देने का था, लेकिन KTM का स्पेयर पार्ट्स नहीं होने की वजह से ये वाला है पल्सर का हैंडल होल्डर बॉटम, इसको सेटिंग किया, इसका टॉप, ये भी हैंडल सेटिंग होने के बाद, और ये वाला हैंडल यामाहा का ही दिया, FZ का, SZR का, कोई भी परचेस कर सकते हो, इसके साथ इसको सेटिंग करो। तो दोस्तों, ये वाला थिंग्स प्लग एंड प्ले की तरह आप सेटिंग कर दो। इधर देखो, ये वाला देखो, इनर ट्यूब और टीपर, ये बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा, आराम से सेटिंग हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आराम से प्लग एंड प्ले की तरह सेटिंग हो जाएगा। फिर इसको टॉप प्लेट देख, बोल्ट देके इसको टाइट कर दो, और फिर इसको हैंडलिंग को सेटिंग करो, हैंडल को। तो दोस्तों, सिर्फ 6 नंबर एलन की से इसको आप सेटिंग करो।
तो दोस्तों आप देखो राइडिंग कंफर्ट इसका और भी बढ़ गया। दोस्तों आप देखो राइडिंग कंफर्ट हम स्ट्रेट पढ़े आराम से, पहले वाला कैसा था ऐसा। आप देखो राइडिंग कंफर्ट और इसका टॉप प्लेट आपको आपके चाहने के अनुसार इसको डाउन करके भी आप राइडिंग एबिलिटी कंफर्ट सेटिंग कर सकते हो। अब देखो ये फाइजर फेंडर पर भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए इसका बजट कितने में आएगा। तो दोस्तों कस्टमर के अनुसार आपके बजट आपको आएगा। आरन फाइव का टॉप MT15 का टॉप प्लेट लगभग आपको 900 के अंदर, 900 ये वाला टॉप होल्डर बॉटम। अगर KTM का मांगो तो उसका फिर 600-700 में। अगर पल्सर का ऐसा वाला सेटिंग करो वो भी 300-400 में आ जाएगा। तो हैंडल होल्डर अगर KTM का मांगो तो 1000 में, अगर कोई दूसरा वाला मांगो तो 200-300 में, 400 के आसपास आ जाएगा। और दोस्तों कुल मिला के आपके बजट के अनुसार अगर ये वाला चीज हो तो आपके बजट के अनुसार 2500 के अंदर इसका लेबर किट द्वारा 100% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मांगो तो इसके भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करना है, कोई बात नहीं। तो लेकिन दोस्तों इसमें खासियत ये है, इग्निशन का इग्निशन की देने के साथ ये हैंडल लॉक भी होगा। ओके दोस्तों इग्निशन देने के साथ भी ये हैंडल, तो चाबी देके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ हैंडल लॉक के बारे में। ये देखो इसके इग्निशन दिया है, बेंड किया, अब देखो ये हैंडल अब लॉक हो गया इस साइड पर। और इसको फिर चाबी देके इस साइड पर भी आपको अब देखो मूव नहीं कर रहा है, देखो ठीक है। तो दोस्तों शायद ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। लो बजट पर आपका कोई भी बाइक लेके आओ आनंद फाइव का, अगर ये वाला बाइक हो, अगर भाषण 2 हो तो इसका भी ये वाला स्ट्रेट हैंडल होगा। और खास करके किसी भी वीडियो पर हैंडल लॉक के बारे में कोई नहीं बताया, तो ये वाला थिंग्स हम अपने हाथों से बनाया मानिक भाई ने। तो दोस्तों कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो देखकर आप घर में भी बैठ के बना सकते हो। अगर आप नहीं बना पाओ तो इधर आ जाओ मानिक के पास, हम लोग हैं, हम दोनों मिलके ये सॉल्यूशन कर देंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।